बीजेपी एक तरफ कांग्रेस है, आपको ही वोट क्यों दे? आवाम आप ही को क्यों चुने? कुछ सियासी अफवाहें फैल रही कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी और कांग्रेस के कुछ विधायक आने वाले हैं। किसी भी पार्टी से जिनके ऊपर करप्शन के आरोप हों वो भी आए तो लेंगे क्या? पुष्कर सिंह धामी कैसे नेता लगते हैं? एक यंग डायनामिक नेता है। त्रिवेंद्र तीरथ उस तरीके से होगा। त्रिवेंद्र तीरथ या धामी, इनमें से अच्छा मुख्यमंत्री कौन दिखाई देता है? ये उनकी पार्टी ने डिसाइड करना है। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि कर्नल साहब बीजेपी की बी टीम बन गए। आप बी टीम है बीजेपी? मेरे को नहीं पता एबीसी क्या होता है। हरीश रावत ने गुस्से में क्यों आपको लेकर? मेरे को आइडिया नहीं है, हरीश रावत जी तो हमारे आदर्श हैं। आज बात होगी एक ऐसी हस्ती की जो उत्तराखंड की सियासत का वो नाम है जो इस वक्त हर किसी के जहन और जुबान पर है। वो चेहरा जो भले ही फौज का चेहरा रहा लेकिन आज उत्तराखंड की सियासत में किसी परिचय का मोहताज नहीं। बात आम आदमी पार्टी के चेहरे कर्नल कोठियाल साहब की जो इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है। कर्नल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर्नल साहब कुछ अलग सवाल के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। एक दौर था केदारनाथ का, वो दौर जिसे सबने देखा झेला और उसके हीरो निकल के आए कर्नल कोठियाल। लेकिन ये सियासत का मैदान है, झेल लेंगे? हीरो तो केदारनाथ में भी नहीं बने। खैर हाँ ये जरूर है, एक हमको बहुत बड़ा एडवांटेज वहां पे क्या हुआ, जैसे कहते हैं ना कि कई बार हमारा नाम लिया जाता है भोले की फौजी भोले की टीम। केदारनाथ में जो 3-3.5 साल हम रहे उसमें ऐसा नहीं है कि भोले बाबा ने हमको कोई जादू का डंडा दे दिया कि भाई ये काम करो छू मंदिर और ठीक हो जाएगा। पर भोले बाबा ने मेरे को एक मौका दिया कि केदार घाटी जहाँ पे सबसे बड़ा डिजास्टर का अफेक्ट हुआ था, चाहे वो इंसानों की जान हो चाहे वहाँ पे मेटीरियल डैमेज हो, उसके बावजूद कैसे यूथ को, कैसे एक्स सर्विसमैन पैरामिलिट्री फोर्सेज के रिटायर्ड लोग हैं, कैसे महिलाओं के जो अपने बच्चों की तरफ जज्बा होता है उन्हें जोड़ करके अगर एक टीम बनाई जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है उत्तराखंड में जो आज जिसे हम बोलेंगे नामुमकिन है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन हर काम हो सकता है। और वो मॉडल क्योंकि हमने केदार घाटी में खुद प्रैक्टिकली रह करके देखा और साबित करके दिखाया तो आज हमें इसलिए कॉन्फिडेंस पूरा है कि जिस चीज़ को हम लेकर के फौज छोड़ करके इस पॉलिटिकल फील्ड में आए उसे अच्छे तरीके से कामयाब बना पाएंगे। फौज नहीं है ये सियासत है। फौज और सियासत में बहुत फर्क होता है। वो चालबाजी कहाँ से लाएंगे आप? इसे बोलते हैं लीडरशिप। हर जगह जरूरत होती है लीडरशिप क्वालिटी की। एक लीडरशिप क्वालिटी है कि आप दूसरों की बात सुन करके केंद्र की बात सुन करके अपनी बड़े जो पार्टीज हैं उनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी बात सुन करके और ग्राउंड पे करने की कोशिश करते हो। एक दूसरी लीडरशिप है बड़ी सिंपल सी, आप अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हो अपनी टीम को तैयार कर रहे हो और उस मकसद के लिए कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि सामने से गोली चलेगी और तेरे को बलिदान देना पड़ेगा। अगर उस जगह आप लीडरशिप दिखा सकते हैं तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड जिसको कि आज हम एक पावन भूमि बोलते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिमालय का हिस्सा है यहाँ पे तो ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जनता और समाज इस चीज़ को करने के लिए हमेशा हर इंसान को जो ये सोच लेके चलता है मोटिवेट करता रहता है। लेकिन कर्नल साहब मैंने ये कहा कि जो सियासत के नज़रिए से देखें और फौज के नज़रिए से दोनों अलग अलग मोर्चे हैं। यहाँ पर तो जब जैसी वो जरूरत बदल दो नीति वही कहलाती है राजनीति। अब रणनीति क्या है आपके पास, औजार क्या है, हथियार क्या है? यहाँ तो अस्त्र दूसरे होते हैं, फौज में दूसरे थे, अब आपके पास अस्त्र क्या है, कैसे जीतेंगे मैदान? जैसे आप कह रहे हैं ना ये बार बार जो चीज़ क्या है कि हम तो कभी पॉलिटिशियन थे नहीं ना हम कभी पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ये जो आज की जो पॉलिटिक्स की जो भाषा होती है जो काम करने के तरीके होते हैं वो कभी हमसे मतलब हमें कभी मौका नहीं मिला उस तरीके की चीज़ें करने का और सीखने का। हमारे अंदर ज़रूर एक चीज़ है कि हम आगे बढ़ कर के और जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं जो आपके पास स्ट्रेंथ है उसे कैसे एक तरतीबवार एक सीक्वेंशियल तरीके से लेकर के आगे बढ़ सकें। हमारे पास क्या रणनीति है, हमारे पास क्या तरतीब है, बड़ी सिंपल सी बात है, हमें कुछ ज़्यादा गणित करने की ज़रूरत ही नहीं है। 20 साल पहले जब यूपी का हिस्सा होता था, ये उत्तराखंड जिसे आज हम उत्तराखंड बोलते हैं, जब यूपी का हिस्सा होता था और ये लगता था लोगों को और समाज को कि शायद हम लोग नेग्लेक्ट हो रहे हैं क्योंकि यूपी से काफ़ी दूर पड़ जाते हैं, हमारे यहाँ उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और उस टाइम पे संघर्ष करके महिलाओं ने संघर्ष करके यहाँ के समाज ने उत्तराखंड को अलग एक राज्य बनाया, उस टाइम के जो मुद्दे हैं ना वो सारे के सारे कई किताबों में दबके रह गए हैं आंदोलनकारियों के लिखे हुए, जिसे बोलते हैं उत्तराखंड के सुलगते सवाल। इन सब मुद्दों को समझना है
यहाँ के युवाओं को एक मतलब जो होता है ना बंडल ऑफ एनर्जी, उसकी उसकी ताकत देखनी है। यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के समाज को, यहाँ के फौजियों को, रिटायर्ड पर्सनल, अपने ITBP, CRPF, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनको जोड़ करके जो टीम बनानी है, तो मेरे को लगता है रणनीति की जरूरत ही नहीं है। आपने खाली एक सीक्वेंस में और एक तरतीबवार मॉडल को बना करके। लेकिन कर्नल साहब, एक तरफ BJP एक तरफ कांग्रेस है, आपको ही वोट क्यों दे? आवाम आप ही को क्यों चुने? कभी क्या होता है कि जैसे अभी हम भी पहाड़ों में घूम रहे हैं, तो बड़ा क्लियर है कि लोग, महिलाएं खासकर, अब उस सोच में आ गई हैं कि वो कहती हैं कि बेटा ये बता कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या है। मैं तो ठीक है रुपाई कर लूँगी, मैं तो ठीक है सुबह उठ करके और दिन भर घर को चला लूँगी, लेकिन उसके बाद है मेरे को तो ये नहीं दिखता कि मैं अपने लड़के को क्या आगे देख पाऊँ। और उनको खुद कहती हैं हमें ना इस चीज़ की जानकारी भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब बार बार सब देख रहे हैं, सब एहसास कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे गवर्नेंस कर रही है, गवर्नमेंट में आ रही है और एक गवर्नेंस का जो काम कर रही है, और उसके बाद भी चीज़ें नहीं होती जा रही हैं, तो उनके अंदर भी ना कहीं तो मतलब वो भी हताश होते हैं और वो जो निराशा है वो दिखाई दे रही है। खाली प्रॉब्लम ये है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है आज यहाँ पे पावर में, भारतीय जनता पार्टी डाउन हो रही है काफ़ी। कांग्रेस कितना उसका जो विपक्ष में है, कितना उसका एडवांटेज ले पाती है, ये हमें दिख रहा है कि शायद नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंटरनल उनके भी अपने कई इश्यूज चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी उन वाले मुद्दों पे जो कि आज यहाँ की एसेंशियल जरूरतें हैं, जैसे रोजगार हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे हेल्थ हो गया, बिजली पानी, यहाँ पे जो करप्शन है सोसाइटी में, उसको तोड़ने के तरीके आम आदमी पार्टी दिल्ली जैसी जगह में साबित करके दिखा चुकी है। तो लोगों का ना उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो शायद जो चीजें वो उम्मीद करते हैं वो हो पाएगा। आपने रोजगार का जिक्र किया, लेकिन साथ में क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी नई है, 2012 की बनी हुई है इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, उससे आम आदमी पार्टी को आज स्ट्रगल करना है उन पार्टीज के साथ जो 100-100 साल पुरानी है, जिनका संगठन बूथ लेवल तक का है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अभी रोजगार का जिक्र किया आपने, रोजगार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है, आपके पास क्या प्लान है? आपने कोई रोजगार को लेकर कोई रोड मैप तैयार किया, कोई विजन है आपका? आप कह रहे हैं युवाओं को रोजगार देंगे, आपके पास कोई डाटा, कुछ आप उस पर तैयारी कर रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, कैसे करेंगे आप? ये जो पॉइंट है, रोजगार को खाली ऐसे इशू नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, यहाँ पे इतने ज्यादा टूरिज्म के आस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पे जंगल हैं, यहाँ पे जो शुद्ध हवा है, पता है ये खुद ही एक रोजगार के बहुत बढ़िया जरिया बनने के तरीके बन जाते हैं। खाली प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम बोलें खाली कागज पे और हमें ग्राउंड पे रियलिटी पता ही ना हो कैसे करें, तो ना वो इशू हमेशा फेल हो जाती है। हम तो सबसे बड़े उदाहरण है, ना हम सरकार में है, ना हमारे पास कोई वो पेड़ है जिसको हिलाओ और उसमें से ना सोने चांदी निकलते हैं। हमारे पास एक समझ थी, उस समझ से हमने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो आज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं यूथ फाउंडेशन। उससे 10,000 से ज़्यादा लोग, आर्मी, बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्सेस, अपना उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनमें जाकर के नौकरी कर चुके हैं। और ना हम सरकार में थे, अगर हम इस तरीके की विजन लेके चल सकते हैं तो ये तो हम बना ही रहे हैं कि हम हर किसी को समझाएंगे कि रोजगार का जो हमारा मॉडल होगा वो ग्राउंड पे कैसे इफेक्टिव दिखेगा, और उसको एक कैंपेन, एक कैंपेन की तरह हम उसको चला करके सबको समझाएंगे। दिल्ली में आपने रोजगार को लेकर एक रोड मैप तैयार किया था, और उत्तराखंड के भीतर अगर देखें रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। जिन आंकड़ों का जिक्र मैं कर रहा हूं, उन आंकड़ों के आधार पर आपको एक रोड मैप अपने विजन डॉक्यूमेंट में जनता के सामने, आवाम के सामने रखना होगा कि इतने बेरोजगार हैं और इतने हम रोजगार देंगे। क्या एक रोजगार को टारगेट में रखकर आप लोग चुनाव लड़ेंगे या कोई और मुद्दा भी होगा? देखो, अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी आए, उन्होंने डिक्लेयर करा कि आम आदमी पार्टी कर्नल अजय कोठियाल को अपना लीडर का चेहरा घोषित करती है। ये कैसे आया ये पॉइंट? क्योंकि जनता से पूछा गया, जनता ने बोला कि हाँ इस चीज को करना चाहिए, आम आदमी पार्टी ने फैसला ले लिया। ऐसे ही एक महीने पहले मैं कोई 1.5 महीने पहाड़ों में, उत्तराखंड के अलग अलग जगहों में, पहाड़ों और प्लेन्स में युवाओं से मेरे संवाद थे, वो भी एक कैंपेन था। उस कैंपेन का मकसद था कि हम युवाओं से पूछें कि भाई तुम बताओ आज तुम्हारी नज़र में कौन से वो आस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने एजेंडा में लेके चलना चाहिए, अपने मैनिफेस्टो में लेके चलना चाहिए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो आस्पेक्ट रोजगार का आया। खाली ये है कि अगर हम बोले रोजगार भी देंगे, बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे, हेल्थ भी देंगे, एजुकेशन भी देंगे, तो हम ना एक बड़ी अजीब सी खिचड़ी बना रहे हैं और किसी की समझ में भी नहीं आएगा। अभी हमारा बिजली का कैंपेन चल रहा है, ये खत्म होगा, अगला कैंपेन देखना, हम बहुत अच्छे तरीके से आंकड़ों को लेकर के,
वो तरीकों को लेकर के कि क्या क्या यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, सरकार में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, स्किल डेवलपमेंट जो होता है उस प्रोग्राम में कौन से प्रोग्राम चलने चाहिए और किस तरीके से चलने चाहिए कि ग्राउंड में उस यूथ को जिसे समझ में आता है कि अच्छे तरीके से मैं आगे काम कर सकता हूँ, एक छोटा सा कैसे परफेक्शन में लाने के लिए उसकी बेसिक ट्रेनिंग दी जाए। कर्नल साहब, ये तो चलिए संगठन की बात होगी और ये रणनीति की बात होगी, लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, आपके विरोधियों पर। आपके सामने आपके दुश्मन भी खड़े हैं, कुछ दृश्य में हैं और कुछ अदृश्य हैं। मैं उन जो दृश्य में दिखाई दे रहे हैं मैं उनका जिक्र करता हूँ। कुछ सियासी अफवाहें फैल रही हैं कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी और कांग्रेस के कुछ विधायक आने वाले हैं, सच है झूठ है? आम आदमी पार्टी से बीजेपी नहीं, नहीं, आम आदमी पार्टी में आने वाले है बात? देखिए क्या है कि झूठ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पार्टी अच्छे चेहरों को देख रही है। पार्टी कोशिश कर रही है कि एक अगर कोई अच्छा मोटिवेटेड यूथ आता है तो हम उसको मौका देना चाहते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आम आदमी पार्टी कोई ज्वाइन करना चाहता है हम तो दरवाजे खोल के बैठे हैं, ओपन वेलकम है। बीजेपी और कांग्रेस के कोई भी हो है? किसी भी पार्टी से, किसी भी पार्टी से है, किसी भी पार्टी जिनके ऊपर करप्शन के आरोप हों वो भी आए तो लेंगे क्या उनको? किसी भी पार्टी से, लेकिन साथ में ये है कि कुछ हमारे क्लॉज हैं वो हमने यकीन करना है कि वो क्लॉज आदमी के ऊपर प्रॉपर तरीके से लागू होते हैं। जैसे रडार पर है, जैसे हम बोलते हैं कि आदमी करप्ट नहीं होना चाहिए, धार्मिक राजनीति नहीं करने वाला हो, उसके अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग हो, उसके अंदर अच्छी विजन हो, सोच हो, और ये घिसे पीटे तरीके कि सावधान, विश्राम, नमस्कार, गुलदस्ता वाली कार्रवाई खाली ना करें, ऐसे लोगों को हम केस टू केस बेसिस पे लाना चाहते हैं और वेलकम करते हैं, कोई भी आकर के ज्वाइन कर सकता है। लेकिन कर्नल साहब, रडार पर है कुछ? रडार तो होता है उसके लिए जब हवाई जहाज उड़ता है तो उसको नजर में रखने के लिए। हम लोग तो मतलब वो वाली भाषा बोलने वाले लोग हैं कि इंसानों ने मिलकर के उत्तराखंड का नव निर्माण करना है। आम आदमी पार्टी बड़े अच्छे तरीके से सबके सामने विजन लेकर के चलेगी और उसको करने के लिए जो भी आना चाहता है वो आए, और हम लोग भी लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, लोग भी हमको अप्रोच कर रहे हैं। एक आइडियल अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो हम शेयर भी करेंगे। यानी बीजेपी और कांग्रेस के कुछ विधायक आप लोगों के संपर्क में है? समाज है ये, मैं देहरादून का पढ़ा हूँ, यही डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ता था, डीएवी पीजी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी है आर्मी जाने से पहले। उससे पहले जो उस टाइम पे जो मैं पढ़ाई करी है मैंने, मेरे इतने अच्छे यार दोस्त होते थे, वही आजकल के यहाँ पे कोई आईएएस हैं, वही यहाँ पे विधायक हैं, वही यहाँ पे कोई मंत्री हैं, कोई सीनियर हैं, कोई जूनियर हैं, तो ये तो हम इंसान हैं, आपस में हमारी सबकी बातचीत चलती रहती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के हम सबको वेलकम करना चाहते हैं। कर्नल साहब, पुष्कर सिंह धामी कैसे नेता लगते हैं आपको? एक यंग डायनेमिक नेता है, मतलब हम उनको पर्सनली जानते हैं, उन्होंने यहाँ पे युवाओं की जो विंग है वो भी अच्छी तैयार करी थी, वो जो घोषणाएं कर रहे हैं वो भी अच्छी हैं, क्योंकि उत्तराखंड के तरक्की के लिए तो कोई भी चीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसे करना चाहिए। आपको इतने अच्छे लग रहे हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? खाली प्रॉब्लम यह है कि वाकई में ग्राउंड पे ये चीजें अमल हो पाएंगी, ये मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि अभी मेरे को नहीं पता। आज मतलब बड़े अच्छे सीनियर अधिकारी हैं जेपी नड्डा जी, तो मेरे से कोई पूछ रहा था नड्डा जी आ रहे हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया, मैंने कहा मेरी कोई प्रतिक्रिया हो ही नहीं सकती, वो आम आदमी पार्टी के है नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर आ रहे हैं कि उत्तराखंड में जो सरकार यहाँ पे चल रही है उसको थोड़ा ठीक कर पाएं और यकीन कर पाएं कि जो घोषणाएं करी जा रही है वो ग्राउंड पे हो जाए, मतलब आखिरी के 5-6 महीने चलो उतना ही बचा है टाइम, उसमें भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये अच्छा कर पाएं, अभी तक हमें दिख नहीं रहा, लेकिन त्रिवेंद्र तीरथ या धामी, इनमें से अच्छा मुख्यमंत्री कौन दिखाई देता आपको? ये उनकी पार्टी ने डिसाइड करना है, हमें ये पता है कि हम किस तरीके से अपने एजेंडा को लेकर आगे चलेंगे और हमारे यहाँ पे किस चीज को जनता के बीच में हम अच्छे तरीके से कन्वे करेंगे। कांग्रेस नाराज है आपसे, वो बहुत ज्यादा नाराज है। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि कर्नल साहब बीजेपी की बी टीम बन गए हैं। आप बी टीम है बीजेपी की? मेरे को नहीं पता एबीसी क्या होता है, मतलब कहीं पे तो कहते हैं विटामिन बी जो होती है ना सबसे अच्छी होती है, और उस जगह विटामिन ए ज्यादा खिला दी जाए तो शरीर खराब भी हो जाता है। एबीसी का तो मेरे को पता नहीं, हमें यह पता है कि अगर आपने जैसे मैंने भी बचपन में ना रक्षाबंधन और 15 अगस्त को हम लोग छत में चढ़ते थे पतंगबाजी करने के लिए, उंगलियां भी कटती थी वो मंजे से, अगर पतंग को बहुत अच्छे तरीके से दूसरे की पतंग काटनी है और उड़ाना है तो हवा बहुत आपके विपरीत चलनी चाहिए, तो उस पतंग को कंट्रोल से चलाया जाता है। हवा विपरीत चल रही है, अगर कोई चलाने की कोशिश कर रहा है तो पहले हमारे पेज में 2000 लाइक आती थी, आज 8000 लाइक आ रही है, तो और जरा करो। लेकिन फिर कर्नल साहब, बीजेपी खुश है आपके आने से और कांग्रेस नाराज है, खासतौर पर हरीश रावत। हरीश रावत ने गुस्से में क्यों आपको लेकर? मेरे को आइडिया नहीं है, हरीश रावत जी तो हमारे आदर्श हैं, मतलब सीनियर लीडर हैं, उनके साथ हमने काफ़ी अच्छे चीज़ें करी हैं। हरीश रावत जी अगर बोल रहे होंगे ना कोई चीज़, वो पॉलिटिकल कारण होता है, नहीं तो हरीश रावत जी को भी अच्छा लग रहा है,
और वो घर में जरूर बोलते होंगे कि उस कर्नल को देखो, वो मेरा छोटा भाई है, देखो कितना अच्छा कर रहा है। पक्का यकीनन भविष्य में उत्तराखंड का जो नवनिर्माण होगा उसमें मेरा ये छोटा कर्नल का रोल बहुत बड़ा होगा। हमें पता है सर, ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में। आप इतने भावुक हैं हरीश रावत को लेकर, मुझे वो दौर भी याद आया 2013 का, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, और हरीश रावत ने माना था कि कर्नल कोठियाल एक बहुत बेहतरीन, जिन्होंने इस सपने को साकार करके दिखाया और एक डेडलाइन के भीतर किया। कांग्रेस में आपके जाने की अटकलें रही, फिर बीजेपी में सामने आई बातें, फिर आम आदमी पार्टी, ये कर्नल साहब को समझ में नहीं आया। ये चर्चाएं उठी कि हरीश रावत चाहते थे कि कर्नल साहब कांग्रेस में आए, ये बात झूठ है या सच? मेरे को आइडिया नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं हूँ, ना मैं रहा हूँ। हाँ ये जरूर वो है, चाहते थे, ये जरूर है कि जब मैं डीएवी कॉलेज में पढ़ता था, आपसे शेयर करता हूँ, तो मेरे पीछे ना जब 20 लड़के खड़े होते थे तो मेरे से बात करी जाती थी कि यार भाई तू क्या जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, आज मेरे साथ 10,000 लोग हैं, आज मेरे साथ इतनी सारी जनता है, तो शायद हर कोई चाहता होगा कि कहीं ना कहीं अजय कोठियाल के साथ हम भी मिलकर के अच्छा काम करें, और मैं उनकी सोच को वेलकम करता हूँ। ये जरूर है कि जो पार्टीज मैं क्योंकि पर्सनली जानता हूँ लोगों को, पर मेरे को फंक्शनिंग जो दिखी पार्टीज की कि हर डिसीजन ऊपर केंद्र से आता है और आपको ना उनकी बात को फॉलो करना पड़ता है, ऐसी पॉलिटिक्स तो मेरे बस की है नहीं, ना मैं वैसा कर सकता हूँ। मेरे को ये पता है उठक बैठक करनी चाहिए अपने शरीर को स्ट्रांग करने के लिए, दूसरे के विचारों को लेकर के अगर उठक बैठक कर रहे हो तो वो हो नहीं सकता। लेकिन ये इसलिए फिर आम आदमी पार्टी में हमें ये ट्रांसपेरेंसी मिली, हमें ये सब चीज़ें दिखाई दी कि अपने विचार को लेकर के आप अच्छे तरीके से कैसे आगे बढ़ सकते हो, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी। आपके फैसले भी तो दिल्ली से ही होंगे, अगर उनके फैसले दिल्ली से होंगे तो आपके भी फैसले दिल्ली से होंगे। इतना बड़ा नवनिर्माण करना है, उसमें एक छोटी सी घोषणा है 300 यूनिट बिजली, वो डिसीजन देने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं, एक छोटी सी वो करनी है कि कर्नल अजय कोठियाल को हम अपना चेहरा बनाते हैं, इतना छोटा सा फैसला था, उस फैसले को डिसाइड करने के लिए सबके सामने बोलने के लिए वो दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं, तो दिल्ली कहाँ आ रही है, देहरादून आ रही है। आज यहाँ 50 लोग आ रखे थे प्रवासी, सब कहीं ना कहीं खाए खेले अच्छे समझदार लोग थे, वो सब दिल्ली से आ रखे थे, क्या जज्बे वाली बात करके गए। रक्षाबंधन से एक दिन पहले महिलाओं ने हमको राखी बांधी दिल्ली से आकर के, उत्तराखंडी महिलाओं ने, कि भैया तू चल आगे, हम आगे तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। दिल्ली राजधानी, उत्तराखंड की छोटी सी राजधानी देहरादून में आ रही है, तो क्यों तरक्की नहीं होगी, आप भी तो दिल्ली से आ रखे हैं। कर्नल साहब एक बात और आपसे जानना चाह रहा था, एक विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी जो आप खास तौर पर चार धामों का जिक्र कर रहे हैं और तीर्थाटन का जिक्र कर रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी ये तय कर चुकी है कि हमारी सत्ता बनेगी तो हम सीधे तौर पर शराबबंदी करेंगे राज्य में? नहीं, क्या आप उसके पक्षधर हैं? देखो शराब तो किस अंश में नहीं होती, शराब ना बहुत चीजों में है, लेकिन ये जरूर है जब शराब ऐसे स्टेज में लेके आ जाए किसी समाज के, किसी वर्ग के, किसी परिवार के, किसी आदमी को, कि वो अपने घर को ही बर्बाद कर रहा है, तो फिर तो महिलाओं को ना बुरी तरह से पीट पीट के उसको, अपने परिवार वाले चाहे लड़का हो चाहे उसका हस्बैंड हो, पीटना चाहिए। और वो पीटना किससे चाहिए? वो हथियार जो सबसे स्ट्रांग है, जिस हथियार को हम लेके आ रहे हैं उसे बोलते हैं झाड़ू, झाड़ू से पीटना चाहिए 100% बुरी तरह से, शराब भाग जाएगी यहाँ से, गंदा जो सिस्टम को जो बर्बाद कर रही है। लेकिन वो सिस्टम तो आप साफ कर सकते हैं ना, सत्ता में आएंगे तो उस सिस्टम को ही साफ कर दीजिए, आप बोलिए कि हम आएंगे सत्ता में शराबबंदी करेंगे। कंट्रोल्ड कोई भी चीज खराब नहीं होती, अगर बियॉन्ड कंट्रोल, अगर वो जहर बन जाए तो फिर तो खत्म है। एक पहाड़ों में एक छोटी सी बूटी होती है, उसे बोलते हैं कड़वी, कड़वी की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि अगर ना आप कहते हैं ना मशरूम, जंगली मशरूम ऐसा कोई नहीं है जिसमें कि मतलब कहते हैं कुछ में जहर होता है, लेकिन अगर समझदार आदमी है वो कोई भी जंगली मशरूम खा सकता है, चाहे जहरीला हो चाहे नहीं हो, उसमें कॉम्बिनेशन मिलाने पड़ती है। कड़वी को आप डालो जहर खत्म हो जाता है, लेकिन आप कड़वी को ऐसे खा जाओ ना तो आप मर जाते हो। तो वो हर चीज को कंट्रोल तरीके से लेके चलना चाहिए, बियॉन्ड कंट्रोल तो हर चीज खराब है। बच्चे पैदा होना चाहिए, लेकिन इतनी सारी बड़ी पॉपुलेशन हो गई तो वो तो पॉपुलेशन बम बन गया। तो ऐसे कंट्रोल हर चीज में लेकर के आने की जरूरत है, और वही समझदारी इस पार्टी में है जो लेकर के आ रही है। किंग मेकर या फिर किंग, उत्तराखंड की सियासी इतिहास कर्नल साहब एक ये भी है कि यहाँ कई पार्टियां जो क्षेत्रीय दल रहे वो 3 सीट 4 सीट और फिर वो सत्ता की गोद में बैठ जाते हैं, इसके कई उदाहरण निर्दलीय तक हुए जिन्होंने सत्ता को चलाया। अगर आपके साथ अगर ये घटना घटती है तो तैयार हैं उसके लिए? ये अगर और मगर तो जो है ना, ये तो कैलकुलेटर्स के काम है। हम ये बोलते हैं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए आ रही है, और क्योंकि नवनिर्माण के लिए इलेक्शन लड़ना जरूरी है तो एक मुद्दा बन जाता है,
लेकिन अगर हम बात करें नवनिर्माण की, तो हम अस्कोट को भी उतना ही देखेंगे, आराकोट को भी उतना ही देखेंगे, देहरादून, पीर कल्याण, सब जगहों को उतना देखेंगे। इसका मतलब हम कोई स्पेसिफिक जगह नहीं देख सकते कि हमें यहीं पर जोर लगाना है, हमें पूरे उत्तराखंड को देखना है। 70 जगहों पर हम लड़ेंगे। अभी तो हमारा स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस तरीके से एक्सेप्टेंस हो रही है, जिस तरीके से आप ही बोल रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि पहले तो वो पत्थर फेंक रहे थे, आजकल सुना है कि वो गुलेल ढूंढ रहे हैं ताकि गुलेल से मारी जाए गोली अजय कोठियाल के ऊपर, वो जो पत्थर की होती है। कौन मार रहा है? जो आप ही बता रहे थे, जो हम तो कह रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे थे। हम तो सबकी तारीफ करते हैं। देखो, हम तो खुद ही कह रहे हैं, जितनी हवा हमारे खिलाफ चलाओगे हमारी पतंग उतनी अच्छी उड़ेगी। मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा फोकस है नवनिर्माण, नवनिर्माण के लिए हमने 70 सीटों पर लड़ना है। अभी एक्सेप्टेंस देखना, धीरे धीरे और बढ़ेगी, ये जरूर है। पार्टी नई है, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कर्नल साहब। ऐसी स्थिति आती है किंतु परंतु वाली, तो फिर आप लोग भी सत्ता की गोद में बैठ जाएंगे। हम किंतु परंतु वाले लोग हैं ही नहीं, हम तो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। किंतु परंतु जब होगा तब किंतु परंतु पे देखेंगे। मतलब हो सकता है, ये तो किंतु परंतु है, किंतु परंतु तो सब जगह चलता है। कर्नल साहब, मैं बाहर जाऊंगा, पता नहीं अभी बारिश हो रही है, वो गाड़ी मेरा टायर पंचर हो जाएगा, तो किंतु क्या करोगे, परंतु ये करोगे। मैं बोलूंगा अगर टायर मेरा फूट गया तो मैं, क्योंकि मेरे को टाइम पे पहुंचना है, तो मैं पैदल आगे जाके निकल जाऊंगा। उस टाइम पे किंतु परंतु नहीं होता, डिसीजन लिए जाते हैं। और क्योंकि हमें एक चीज सिखलाई गई है कि जब सामने से गोली चलती है ना, उस टाइम फैसले लेने पड़ते हैं, खाली अपनी जिंदगी नहीं औरों की जिंदगी भी। तो हम किंतु परंतु वाले नहीं, हम करके दिखाने वाले फैसले लेंगे। कर्नल साहब, एक 70-70 आप विधानसभा का दावा कर रहे हैं कि 70 पे प्रत्याशी उतारेंगे उतारेंगे, आपको, आप कर्नल हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं, अब अपनी सेना भी तैयार करनी है और 70 रणबांकुरे भी ढूंढने हैं, ढूंढ लेंगे 70 लगता है आपको? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने, 180 दिन। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है रहीम यार खान, जहां पे टैंक के बैटल्स होते हैं, अगर वहां पे फौज पहुंच जाती है तो इसका मतलब पूरा पाकिस्तान डिस्ट्रॉयड है। ये जो है, ये इसे बोलते हैं 18 दिन का कैंपेन। 18 दिन के कैंपेन में पूरे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, लेकिन उसके लिए ना तैयारी करनी पड़ती है। और वो कैंपेन दिखता है आखिरी में, जब अटैक प्लान शुरू होता है। यहाँ तो अभी 180 दिन पड़ते हैं, अभी देखते रहिए, अभी आगे बढ़ेंगी चीज़ें, अपने आप आएंगी। आप अगली बार जब इंटरव्यू लेने आएंगे ना, तो आप मेरे को बोलेंगे कि कर्नल साहब ये बताइए, फलाना कैसे आके पार्टी में ज्वाइन कर गया, ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, इससे तो फर्क पड़ेगा। आप उल्टा आकर के मेरे को पर्सनली भी बताएंगे कि बात ये चल रही है, इससे ज़रा बात कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे धीरे धीरे नवनिर्माण के लिए ना जोश पैदा करना है, हौसला पैदा करना है, वो कर रहे हैं हम। चलिए कर्नल साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन ये जंग आसान नहीं है, जो जंग आप जीत के आए हैं ये सियासत की जंग है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो आखिरी जो हमको मैसेज है, हम इसको वाकई में सीरियसली लेते हैं कि ये जंग आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और इसलिए ना आपके चैनल के जरिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अजय कोठियाल का भी बदली नहीं होगा, जो उससे उम्मीद करी जाती थी उसको सपोर्ट करो, वो उम्मीदें ना जरूर ग्राउंड पे अच्छे तरीके से होंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, अगली बार होगी एक नई शख्सियत से मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस है, आपको ही वोट क्यों दे, आवाम आप ही को क्यों चुने? कुछ सियासी अफवाहें फैल रही कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी और कांग्रेस के कुछ विधायक आने वाले हैं। किसी भी पार्टी से है, किसी भी पार्टी, जिनके ऊपर करप्शन के आरोप हों वो भी आए तो लेंगे क्या? पुष्कर सिंह धामी कैसे नेता लगते हैं? एक यंग डायनेमिक नेता है। त्रिवेंद्र तीरथ, उस तरीके से होगा। त्रिवेंद्र तीरथ या धामी, इनमें से अच्छा मुख्यमंत्री कौन दिखाई देता है? ये उनकी पार्टी ने डिसाइड करना है। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि कर्नल साहब बीजेपी की बी टीम बन गए, आप बी टीम है बीजेपी। मेरे को नहीं पता ABC क्या होता है। हरीश रावत ने गुस्से में क्यों आपको लेकर? मेरे को आइडिया नहीं है, हरीश रावत जी तो हमारे आदर्श हैं।